अच्छा, बिहार में यह कहावत खूब चलती है। मंगलवार को पटना हाईकोर्ट अपने अंतरिम फैसले से आगे अंतिम फैसले में यही करेगा। हाईकोर्ट ने पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट को दी तारीख के अंदर बिहार में जातीय जनगणना को लेकर उठ रहे सवालों पर सुनवाई कर ली। चीफ जस्टिस के विनोद चंद्रन व जस्टिस पार्थ सारथी के खंडपीठ में लगातार 5 दिनों तक यानी कि 3 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक याचिकाकर्ता और बिहार सरकार की दलीलें सुनी और कोर्ट ने जाति आधारित जनगणना बताने वाले की भी पूरी दलील सुनी और फिर सरकार के उस दावे का पक्ष भी सुना जिसके अनुसार यह जाति आधारित सर्वे है। बताते चले कि आज पटना हाईकोर्ट ने सीएम नीतीश कुमार के इस ड्रीम प्रोजेक्ट को हरी झंडी दिखा दी है, यानी कि अब नीतीश कुमार के लिए इस वक्त की सबसे खुशी की खबर और बड़ी खबर है। कोर्ट ने इस सर्वे के तहत कराने की मंजूरी दे दी है और जल्द ही बिहार सरकार फिर से जातीय जनगणना शुरू करवाएगी। हालांकि कोर्ट के इस फैसले से याचिकाकर्ता फिलहाल तो नाखुश है और उनका कहना है कि अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट लेकर जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट ने 19 मई को तीसरी बार बिहार के जाति आधारित जनगणना के केस को पटना हाईकोर्ट के पास सौंप दिया था। 2 बार जनहित के नाम पर याचिका पहुंचने पर सुप्रीम न्यायालय ने इसे हाईकोर्ट का केस बताते हुए उसे वापस कर दिया था। इसके बाद पटना हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और यहां 4 मई को अंतरिम फैसला राज्य सरकार के खिलाफ आया। बताते चले कि कोर्ट ने जाति आधारित जनगणना प्रक्रिया पर अंतरिम रोक लगाते हुए 4 मई तक जुटान सभी डाटा को सुरक्षित रखने का सख्त निर्देश दिया था। पटना हाईकोर्ट से अपने खिलाफ अंतरिम आदेश को देखकर बिहार के नीतीश कुमार अगली तारीख का बेसब्री से इंतजार किए बगैर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कि स्पष्ट कह दिया था कि पटना हाईकोर्ट के अंतरिम फैसले में काफी हद तक स्पष्टता है, लेकिन अंतिम फैसला आए बगैर सुप्रीम कोर्ट में कोई सुनवाई फिलहाल तो नहीं होगी। अब आगे जानिए आदेश का असर और ऑनलाइन डाटा की क्या है स्थिति। पटना हाईकोर्ट ने 4 मई को अंतरिम आदेश दिया था और कुछ ही घंटे में सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देश पर तमाम जिलाधिकारियों के जरिए गणना में लगे सारे कर्मियों तक का एक लाइन का मैसेज पहुंच गया कि डाटा को यथास्थिति सुरक्षित किया जाए। इसके बाद क्या हुआ? दरअसल भले ही सरकार ने 80% काम पूरा होने की बात की है, लेकिन सच्चाई यही है कि यह आंकड़ा कागज पर जानकारी जुटाने वाला है। मतलब कि 80% के करीब लोगों की जानकारी पेपर पर ली गई है, जमा भी की गई है और जानकारी डाटा का औसतन 25% भी अभी ऑनलाइन अपलोड नहीं हुआ है। जिस तरह सरकारी सर्वर की बात सरकार ने की है, उसकी जगह ज़्यादातर डाटा अभी पेपर पर ही है, यानी कि बिहार में देख ही रहे हैं किस तरह बदहाल बिहार में और सरकारी कामकाजों में किस तरह से देरी होती है। उसी तरह अब नीतीश कुमार की अब देखना यह है कि सर्वे होने के बाद किस तरह से काम में तेज़ी आता है। तो फिलहाल ये रिपोर्ट यहीं तक थी। ऐसी खबरें जानने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहे और अब दी से मुझे इजाज़त। धन्यवाद।